अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का कॉमर्स का रेगुलर स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल। इंशाल्लाह मैं प्राइवेट का भी आपके लिए बना दूंगी कि प्राइवेट स्टूडेंट्स ने किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, उनका फॉर्म अलग होता है, तो वो भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं रेगुलर स्टूडेंट्स का कॉमर्स का फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल, एग्जामिनेशन फॉर्म है। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या फीस प्रोसीजर है और किस तरह से फीस जमा करानी है, कितनी फीस जमा करानी है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे देना है एनुअल ईयर, यानी कि आपका जो भी एनुअल ईयर चल रहा होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके अलावा यहाँ पे देना है रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर आपके आ गया रोल नंबर, लेकिन रोल नंबर आप लोगों को ऑलरेडी बोर्ड वालों की तरफ से ही इश्यू होगा, तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इनरोलमेंट नंबर, अभी तक तो इनरोलमेंट कार्ड आप लोगों के नहीं आए हैं, जैसे ही इनरोलमेंट कार्ड आएंगे ऑलरेडी आपको इनरोलमेंट नंबर फाइन हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस क्योंकि अभी तक इनरोलमेंट कार्ड नहीं आए हैं और आगे भी नहीं आते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन छोड़ने के बाद जब आप ये फॉर्म सबमिट कराने जाओगे तो अपने कॉलेज वालों को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देना कि क्योंकि इनरोलमेंट कार्ड नहीं आए हैं तो हमने यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो आपको ऑलरेडी खुद भी बता देंगे, जो भी चीज अगर फिल करवाना चाहेंगे तो फिल करवा देंगे, अदरवाइज वो कम अज कम उनकी नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से आगे लेके चलना है। उसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है कि जिन लोगों ने प्राइवेट कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं कि प्राइवेट में भी हो जाए और गवर्नमेंट में भी हो जाए, तो आपने ये हरकत नहीं करनी। एग्जामिनेशन फॉर्म आपका उसी कॉलेज से जाएगा जहाँ से आपने इनरोलमेंट फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। और अगर आपने ये हरकत की हुई है कि दो जगह एडमिशन लिया हुआ है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये आपने नहीं करना। ठीक है, इसके बाद ये मेन वजह है जिसकी वजह से फॉर्म जो है आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। तो ये हरकत बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर बेस्ड होनी होती है उसको किसी भी किस्म की पेन या टेप वगैरह से स्टेपल कर देते हैं, चिपका देते हैं। ये हरकत आपने नहीं करनी, इस वजह से आपका हो जाएगा फॉर्म रिजेक्ट और आपका साल जाया होने का भी खतरा होगा। उन लोगों ने ऑलरेडी बताया भी है कि यहाँ पे होगी पेस्ट आपकी पिक्चर, गम से अच्छी सी आपकी पिक्चर जो है वो पेस्ट कर दे। ठीक है, आप यूएचयू की अगर लिक्विड वाइल होगी तो वो भी ज्यादा अच्छी आपकी पिक्चर पेस्ट कर देती है। ठीक है, उसके अलावा किसी भी किस्म की पेन टेप या स्टेपलर अलाउ नहीं है। ठीक है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये हरकत आपने बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे आपने नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम है, ठीक, और डेट ऑफ बर्थ आ गई। तो ये तीन चीजें हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसको आपको फिल करना आना चाहिए। अगर आपने इसको गलत फिल कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा इशू आ सकते हैं, तो बी केयरफुल जब आप इसको फिल कर रहे हो तो इसको आप ध्यान से सुने। सबसे पहली बात उन्होंने ऑलरेडी मेंशन भी की हुई है कि ये आपने ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में इसको फिल करना है। अभी इतने सारे बॉक्सेस हैं उसमें आपने अपना नाम किस तरह से फिल करना है ये आपने अच्छे से देखना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिल करते हैं, ठीक है, ये क्या किया मैंने, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में अली लिख दिया। अब किसी बच्चे का नाम है अली खान, तो क्या करना है आपने, अली उसके बाद यहाँ पे एक से दो बॉक्सेस आपने छोड़ने हैं। अगर आपका नाम छोटा है तो आप दो बॉक्सेस भी छोड़ सकते हो, अगर आपका नाम बड़ा है तो आप एटलीस्ट एक बॉक्स जरूर छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे हम एक बॉक्स छोड़ के आगे लिखते हैं पूरा नाम, और वही नाम लिखना जो आपके डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपके नाम में सैयद आता है या मोहम्मद आता है या जो भी इस तरह से नाम में ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपने वो जरूर लिखना है और इसको भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनरोलमेंट फॉर्म में मुझे काफी ज्यादा कमेंट यही आए थे कि हमने अपने नाम में सैयद मोहम्मद जो भी हमारे पास नाम में था वो फुल नेम नहीं लिखा है, मिस्टेक हो गई है। तो देखो, वीडियो को मैं इसलिए कहती हूँ फॉर्म फिल करने से पहले देखा करो ताकि आप लोगों को सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाए। अगर फॉर्म फिल कर दिया है और गलतियां हो गई हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आप लोगों को पहले से अवेयर कर सकते हैं कि आप लोगों से ये गलतियां ना। उसके बाद यहाँ पे आ गया फादर नेम। अच्छा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे ये आप पहले ये करना कि फॉर्म जैसे ही आपके पास आएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने किसी रफ कॉपी पे ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स के अंदर सही नोट कर लेनी है, और जैसे ही फिल करने बैठोगे फॉर्म तो वहां से देख देख के आपने उतारनी है, क्योंकि समटाइम भी होता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये हरकत आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। फादर नेम भी हम इस तरह से ब्लॉक लेटर में ही लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा आरिफ और एक बॉक्स छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे लिखा आरिफ खान, यानी कि फादर नेम भी हमारा यहाँ पे इजिली आ गया। ठीक है, ये आपने पूरा लिख दिया। अब आपने पूरा नाम लिखने के बाद ये जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस छूट रहे हैं ये आपने एडिटेड रहने देने हैं, किसी भी किस्म का क्रॉस किसी भी किस्म के डैश नहीं लगाने हैं। ठीक है, प्लेन ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आ गए डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ बी केयरफुल, जो आपके फॉर्म में डली हुई है, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में डली हुई है, जो आपने इनरोलमेंट फॉर्म में फिल की है, आपने वही एग्जैक्टली फिल करनी है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सबसे पहले आपने डाल ली है यहाँ पे डेट। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर, तो उसने लिखा 11 नवंबर का मंथ लिखेंगे, वो भी 11 होता है, और यहाँ पे आपने लिखना है ईयर। अब किसी बच्चे का अगर 90s का कोई, मतलब 1997 का बच्चा है या 1998 का बच्चा है, तो आपने क्या करना है, 98 लिखना है, जस्ट आखिरी के दो डिजिट। अगर आप 2000 के बच्चे हो यानी 2004 के, अगर आपने आपकी पैदाइश है तो आपने यहाँ पे 0 और 4 लिख देना है जस्ट,
और ये आपके हो गए डेट ऑफ बर्थ पूरी कंप्लीट। नेशनलिटी आपने यहाँ पे लिखनी है पाकिस्तान, अगर आप फॉरनर हो तो आप अपने हिसाब से इसको फिल करोगे। देन आपने यहाँ पे मेल और फीमेल में भी देखना है कि मेल और फीमेल में आपने यहाँ पे टिक भी करना है और कैपिटल लेटर्स में इसको फिल भी करना है। अगेन यहाँ पे रिलीजन आगे, रिलीजन आपने मुस्लिम लिखना है कैपिटल लेटर्स के, कैपिटल लेटर्स के अंदर, और जो भी आपसे आपका रिलीजन है आपने उसको फिल कर देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस का जो सबसे बड़ा मसला आया था एनरोलमेंट फॉर्म के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल एड्रेस किस तरह से फिल करना है, ये आगे रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था कि किसी भी किस्म का आप अपने घर से इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लें या गैस बिल ले लें और उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने फिल करना है। आप करना कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर आपका एरिया का नाम लिखा हुआ है तो आपने एरिया का नाम लिखना है, देन आपने एक बॉक्स का गैप देना है, उसके बाद आगे फिल करते जाना है और इसी तरह से आगे भी एक एक बॉक्स का गैप देना है। अगर आपका एरिया का नाम छोटा है तो वो इसी लाइन में फिलअप हो जाएगा और अगर बड़ा है तो आपके पास नीचे भी पूरी स्पेस दी हुई है, आप इसको फिल करके आगे बढ़ सकते हो। नेम ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री, जो भी आपके कॉलेज का नाम के नाम इस तरह से होते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और फिर आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है। और मोस्टली कॉलेजेस के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का मसला आता है, अगर आपके कॉलेज के अंदर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट लगती है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है अपनी शिफ्ट के हिसाब से, अदरवाइज नहीं लगती तो आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। मोस्टली अब जो फॉर्म मिल रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म कॉलेज से मिलेंगे, कॉलेज वाले यहाँ पे ऑलरेडी अपनी स्टैम्प लगा के दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज नहीं फिल करना। अगर आपकी स्टैम्प नहीं लगी भी कॉलेज की तो यहाँ पे फिर आपने अपने हाथ से इसको फिल करना है। अब आ जाते हैं एनआईसी नंबर पे, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं कि हमारा एनआईसी नहीं बना हुआ, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो अपना बेफॉर्म नंबर यहाँ पे इजीली फिल कर सकते हैं। डिजिट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और इसको पूरा फिल कर देना। सिमिलरली कॉन्टेक्ट नंबर, जो मैंने नॉर्मल फॉर्म में भी आपको कहा था कि जो नंबर आप यहाँ पे दो वो आपका एक्टिव होना चाहिए, यानी कि अगर आपको बोर्ड की तरफ से कोई भी कॉल आती है, कॉलेज की तरफ से कोई भी कॉन्टेक्ट करता है तो आपका ये नंबर एक्टिव होना चाहिए। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है कि आपने जरूर फिल करना है, तो यहाँ पे आप किसी भी किस्म का स्कार बता सकते हो या तिल या कोई भी चोट का निशान है तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड, पोस्ट कोड की ऑलरेडी मैं वीडियो आपके लिए बना चुकी हूँ, तो आप वहां जाके देख सकते हो कि आपने अपने एरिया का पोस्ट कोड कैसे फाइंड करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी किस्म का बोर्ड की तरफ से या कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट अगर पोस्ट किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड ऑलरेडी मेंशन भी है बोर्ड की तरफ से कि अगर आप ये बॉक्स किसी भी किस्म का इन्फॉर्मेशन खाली छोड़ते हो तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा है, तो ये आपने जरूर जरूर फिल करना है। और इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है तो वो यहाँ पे अपना एरिया का पोस्ट कोड फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन जहाँ से दिया था मैट्रिक वो देना है, यानी कि कराची बोर्ड से दिया था, सिंध बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड था वहाँ पे मेंशन करना है। रोल नंबर भी आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा, ग्रुप भी आपका वहाँ पे मेंशन होगा, एयर भी आपका वहाँ पे मेंशन होगा, और ग्रेड और मार्क्स के लिए भी आपकी मार्कशीट काम आएगी। तो मैट्रिक की मार्कशीट आपने निकाल के रखनी है और सारी इन्फॉर्मेशन सही सही फिल करनी है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो या सप्ली दे रहे हो या रिपीटर हो या इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, देन आपने ये HSC पार्ट वन को फिलअप करना है, ठीक है। अदरवाइज आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब आ जाते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है हमें इसके लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए होगी मैट्रिक की मार्कशीट, ठीक है, उसकी कॉपी चाहिए होगी, फोटोकॉपीज। तो यहाँ पे यूजली जो है वो आपसे दो फोटोकॉपीज मांगी जाती है मैट्रिक की मार्कशीट की, तो ये आपने दो एटलीस्ट करानी है। अगर आपके कॉलेज वाले एक रिक्वायर करते हैं तो आपने एक देनी है, अदरवाइज आपसे दो भी मांगी जा सकती है, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं अटैच द एडमिशन स्लिप। अब एडमिशन स्लिप का जो मसला है वो हर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे कॉलेज एडमिशन के टाइम पे स्लिप नहीं देते हैं, ये बात मैंने आपको एनरोलमेंट फॉर्म में भी बताई थी, लेकिन जैसे ही फॉर्म जाना शुरू होते हैं वो एडमिशन स्लिप देना शुरू कर देते हैं, तो आपने वो अपने कॉलेज से ले लेनी है। अदरवाइज अगर आपके पास एडमिशन स्लिप नहीं है तो आपने अपने कॉलेज वाले को इन्फॉर्म करना है और ये मामला आपका कॉलेज वाले ही सॉल्व कर सकते हैं, या तो वो ऑल्टरनेट कोई डॉक्यूमेंट देंगे आपको या फिर वो ऑलरेडी एडमिशन स्लिप इशू कर देंगे, आपसे रिक्वायर किया जाए वो आपने लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परमिशन ऑफ चेंजिंग या बोर्ड। अगर आपका बोर्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी और बोर्ड से किया था कराची बोर्ड के अलावा, तो आपने उसका परमिशन लेटर देना है, ठीक है। अगर आपने कराची बोर्ड से ही किया था तो ये डॉक्यूमेंट आप जमा नहीं कराओगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फोटोकॉपी ऑफ एनरोलमेंट कार्ड की बात आ जाती है, जो कि एनरोलमेंट कार्ड अभी तक आपका इशू नहीं किया गया है तो ये भी आप कॉलेज वालों को इन्फॉर्म करोगे, अभी हमारे पास एनरोलमेंट कार्ड नहीं आया है तो हम इसको क्या फिल करके दें या क्या फोटोकॉपी कराएं, तो ये भी मामला कॉलेज वाले हल करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास एनरोलमेंट कार्ड आ जाएगा तो आपने इसकी फोटोकॉपी करवा के देनी है, ठीक है। और यही इसकी कितनी क्वांटिटी होगी, यानी कि एक चाहिए या दो चाहिए, जितनी भी चाहिए, तो वो आपके कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपने सब्जेक्ट कैसे फिल करने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है। तो आपने इन सब्जेक्ट्स पे टिक करना है जो आपने यहाँ पे
एग्जाम में अपेयर होना है, यानी कि वो एग्जाम्स देने हैं, तो आपने यहाँ पे टिक करना है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले आपने यहाँ पे टिक करना है उर्दू नॉर्मल पे, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, यानी कि अगर आपके पास बोर्ड की खसूसी इजाजत नहीं है तो आप उर्दू आसान नहीं ले सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके साथ अगर या तो उर्दू बोलने का मसला होता है या कोई फॉरनर वगैरह होते हैं, तो इसलिए उनकी मदर लैंग्वेज अगर उर्दू नहीं होती तो फिर यहाँ पे वो लोग इसको फिलअप करते हैं। अदरवाइज आप लोग जो कराची में रहते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू समझते हैं, तो उनको उर्दू नॉर्मल पे ही टिक करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे करना है HC, यानी कि इसको कहते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि आप पाकिस्तान में ही रहते हो, और आप लोगों के लिए होता है PST, ठीक है। PST आपका सेकंड ईयर में होगा तो आपने इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। अब बात करते हैं जो बच्चे फॉरनर हैं या किसी और घर से ताल्लुक रखते हैं तो, और उनके पास ये बोर्ड की इजाजत है तो इसीलिए वो इस पे टिक करेंगे। अदरवाइज आप लोग जो कराची में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो तो उन लोगों के लिए PST होती है, तो आप इस पे टिक नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपने इंग्लिश नॉर्मल ही लेनी है, सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे उर्दू ली है, उर्दू नॉर्मल, इसी तरह से आपके पास इंग्लिश नॉर्मल होगी, ठीक है, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्पेशल परमिशन है तो आप इंग्लिश एडवांस की तरफ जाओगे, इंग्लिश एडवांस का पेपर दे सकते हो, अदरवाइज आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है और इंग्लिश नॉर्मल ही टिक करना है। उसके बाद अगर आप मुस्लिम हो तो ऑब्वियसली आपने इस्लाम में देना है, अदरवाइज नॉन मुस्लिम के लिए यहाँ पे सिविक्स का भी ऑप्शन है, तो अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आप सिविक्स पे आप टिक करोगे, अदरवाइज आपने इस्लाम में पे ही टिक करना है। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथ्स, ठीक है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आपने इसको टिक करते जाना है। ये हो गए आपके सारे सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस आप लोगों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं और फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं, तो वजीर आला सिंध ने आप लोगों की फीस माफ, आपको कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी। अगर आप ये एग्जाम सेकंड टाइम या रिपीट कर रहे हो या इम्प्रूवमेंट दे रहे हो या सबसे दे रहे हो तो फिर आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो उनको 2100 फीस जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको कोई फीस नहीं भरनी। प्राइवेट स्टूडेंट को किस तरह से फीस भरनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या फिल करना है, ठीक है। आपने उसके बाद यहाँ पे करना है, तो ये बात भी हो गई आपकी क्लियर कि आपने फीस किस तरह से जमा करानी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आपने हर बच्चे ने यहाँ पे इस तरह से इसको जो भी साइन है आपका वो आपने करना है, और वो साइन करना है जो आप अपनी इंटर्नशिप में कर लोगे, ठीक है, आसानी से कर सको। जो भी आप यहाँ पे साइन करोगे उसको एज इट इज अपनी किसी भी कॉपी में साइन कर लेना, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं तो आप भूल ना जाओ। इसीलिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए अपने पास भी सेव कर लेना, क्योंकि आपके साइन मैच होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप अटेंडेंस शीट में करोगे, ये वाला साइन आपके स्कैन होके आपके एडमिशन, तो आपके वहां से वो फिर मैच किए जाएंगे अटेंडेंस शीट के थ्रू। अगर मैच नहीं होंगे तो फिर वो आपके लिए मसला हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलरेडी आप इसको सेव कर लेना जो भी आप साइन यहाँ पे करोगे, और कोशिश करना कि आसान साइन हो ताकि आपको आगे भी करते हुए मुश्किल ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो भी आपकी फीस वगैरह का है, तो ये आपने प्राइवेट स्टूडेंट्स ने 2100 भरनी है, और उनके लिए यहाँ पे ये इस तरह से फॉर्म के आखिर में वाउचर है, फीस वाउचर, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम देना है, नेम ऑफ कॉलेज देना है, NIC नंबर देना है, कॉन्टेक्ट नंबर देना है, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है यानी कि मैट्रिक का रोल नंबर देना है, और फिर SSC यानी कि आपने मैट्रिक बायो से किया या कंप्यूटर से किया वो देना है, और ईयर फिल करना है। यहाँ पे आपने डेट उस दिन की डाली है जिस दिन आप ये फॉर्म वाउचर जमा करा रहे हो, ठीक है, और फीस ऑलरेडी लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपने रुपीस के अंदर लिखनी है और इनवर्ड्स काउंटिंग में लिखनी है, यानी कि स्पेलिंग में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल 2100 को आपने यहाँ पे TWENTY21 और नीचे 100 भी इसी तरह से आपने लिखना है, तो ये आपका हो गया वाउचर फिल। मैंने एक वाउचर आपको फिल करके दिखा दिया है, बाकी आप इजीली कर सकते हो। सो इस तरह से ये आपके कॉलेज का फॉर्म रेगुलर कैंडिडेट्स का फिल हो चुका है। आई रियली होप सो कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।